साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर से मुकेश गुप्ता की तरफ से। साथियों आज मैंने जो टॉपिक चुना है एक अंतर्राष्ट्रीय विषय मैंने आज लिया है। आपने पिछले कुछ दिनों में एक खबर पढ़ी होगी कि दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के एक अंडरवाटर ड्रोन को दक्षिणी चीन सागर साउथ चाइना सी में चीन के द्वारा पकड़ा गया। हो सकता है आपकी नजर से यह खबर छूट गई हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसका बहुत जो महत्व है। तो आज हम जो इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे कि ये जो दक्षिणी चीन सागर के संदर्भ में जो हाल ही में अमेरिका और चीन किस प्रकार विवादों में है और दोनों के संबंध किस प्रकार बिगड़े हुए हैं इस मुद्दे को लेकर, और ये जानेंगे कि ये जो दक्षिणी चीन सागर ये क्या है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस क्षेत्र का क्या महत्व है, और ये भी जानेंगे कि भारत के संदर्भ में या भारत का इस क्षेत्र से किस प्रकार के हित जुड़े हुए हैं और भारत का इस क्षेत्र के बारे में क्या पक्ष है। तो इन सब बिंदुओं के ऊपर आज हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले जो हाल ही में जो विवाद हुआ है, मैं आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि एक्चुअली में ये जो दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र है इसमें जो अमेरिका का एक अंडरवाटर ड्रोन जो वो चीन का ये दावा है कि वो चीन के क्षेत्र में वो जासूसी करते हुए पाया गया, जबकि अमेरिका का ये पक्ष है कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापारिक मार्ग है उसी में ही ये था और चीन ने इसको चुराया है। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं। तो कुल मिलाके अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति जो चुनकर आए हैं, जो कि 20 जनवरी को शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चाइना को ये धमकी तक दे दी है इसको लेकर कि चाइना ने इस जो अंडरवाटर ड्रोन को चुराया है तो अब इसको खुद ही स्वयं ही रख ले इसको। हालांकि चीन ने इसको ज्यादा तूल न देकर उसको अमेरिका को हालांकि आरोपित करते हुए कि चीन ने ये कहा है कि अमेरिका इसको लेकर ये भारत चीन के क्षेत्र में जो समुद्री क्षेत्र है उसमें जासूसी करते हुए पाया गया है, लेकिन फिर भी चीन ने अमेरिका को वो वापस लौटा दिया है कुल मिलाके। तो ये काफी खबरों में ये अंतर्राष्ट्रीय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय जो खबरों में ये विवाद रहा है, इसके कारण अमेरिका और चीन के संबंध थोड़े से काफी तल्खी दोनों के संबंधों में आ गई है। अब मूल मेरा मुख्य जो उद्देश्य इस विषय को चुनने का ये कि इस के बारे में आपको जानकारी देने का था कि अंतर्राष्ट्रीय जो परिप्रेक्ष्य में जो साउथ चाइना सी दक्षिणी चीन सागर का क्या महत्व है और ये क्या है। तो साथियों ये जो दक्षिणी चीन सागर यह है ये प्रशांत महासागर से एक तरह से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया एक तरह से चीन के दक्षिण दिशा में है और ये जो दक्षिणी चीन सागर है और लगभग 36 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है और इस क्षेत्र का जो रणनीतिक दृष्टि से सामरिक दृष्टि से आर्थिक वाणिज्यिक और व्यापारिक दृष्टि से काफी अत्यधिक महत्व है। इसी कारण से जो ये काफी जो वैश्विक महत्व है और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो पूरे विश्व का जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है जो आयात निर्यात होता है पूरा कारोबार होता है वो लगभग
60% जो व्यापार है वो इस क्षेत्र से होकर, जो व्यापारिक मार्ग है वहां से होकर गुजरता है। तो इससे भी आप खुद जान सकते हैं कि इस साउथ चाइना सी जो क्षेत्र है इसका कितना महत्व है। और मूल जो बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र पर जो चीन है वह अपना ऐतिहासिक दावा पेश करता है। वो ये कहता है कि ये जो दक्षिणी चीन सागर का जो क्षेत्र है वह हजारों, लगभग 2000 साल से या ऐतिहासिक रूप से यह चीन का ही यह हिस्सा है, और वो चीन अपना इसके ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार क्षेत्र मानता है। जबकि जो इस क्षेत्र में जो चीन के आसपास के पड़ोसी देश हैं, जो मूल रूप से जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो कुछ देश हैं, वो चीन के इस दावे को, जिसमें से मुख्य रूप से वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये जो देश हैं वो जो चीन के इस दावे को नकारते हैं। अब चीन ने इसके ऊपर अपना आधिपत्य क्यों जमाना चाहता है? मूल रूप से इस पूरे क्षेत्र में जो मैंने आपको, एक तो इसका जो वाणिज्यिक और व्यापारिक महत्व तो मैंने बताया कि लगभग पूरे विश्व का जो 60% जो क्षेत्र है, 60% जो व्यापार है वो इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। और इसके अलावा ये जो इस क्षेत्र में काफी प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल के खनिज के काफी भंडारों को पता लगा है, तो उनके ऊपर भी चीन अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। और इसमें काफी छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, उनके ऊपर भी अपना जो चीन है वो अपना आधिपत्य रखना चाहता है। और ये जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा, इतना ज्यादा व्यापारिक आवागमन इस क्षेत्र से होता है, तो जिस भी देश का इस क्षेत्र पर अगर आधिपत्य होता है तो एक तरह से वह काफी ताकतवर हो जाता है। तो कुल मिलाकर तो उन द्वीपों पर चीन तो अपना दावा पेश करता है, जो उस साउथ चाइना सी क्षेत्र में जो द्वीप हैं उसमें से विशेषकर मैं आपको अगर नाम बताऊं तो जो प्रमुख है सामरिक दृष्टि से, वो एक तो स्पार्टले पार्सले के जो द्वीप हैं उनका बहुत ज्यादा महत्व है। तो इस क्षेत्र में जो द्वीप हैं, जो कुछ प्राकृतिक, उन द्वीपों को लेकर ये जो चीन अपना दावा पेश करता है। जो देश मैंने आपको बताए वो देश इस जो चाइना के इस दावे को नकारते हैं, तो इस कारण से एक विवादित क्षेत्र ये बना हुआ है। अब इसको लेकर हालांकि जो एक संधि भी, अगर एक 1982 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो समुद्री कानून, जो एक समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे, उस समझौते के तहत ये बात थी कि अगर कोई भी विश्व में किसी भी जो समुद्र में अगर कोई भी जो प्राकृतिक जो द्वीप हैं, अगर जिनके की ऊपर एक मालिकाना हक अगर किसी देश का ऐतिहासिक रूप से ही है पहले से ही, तो वो जो उस क्षेत्र का जो आसपास का जो समुद्री, अगर मील अपन बात करें तो 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र है उस देश के अंतर्गत आएगा, उसके अधिकार क्षेत्र में होगा। लेकिन चीन ने क्या किया, इस क्षेत्र में एक तरह से वो प्राकृतिक उसका अधिकार है नहीं उन द्वीपों पर, लेकिन वो एक तरह अपना अधिकार वो प्रस्तुत तो करता ही है। दूसरा, उसने काफी जो द्वीप है वहां पर, कृत्रिम द्वीप वहां डेवलप किए, और जबकि इस संधि में एक साफ ये कह रखा है कि ये जो नियम है वो कृत्रिम द्वीपों पर लागू नहीं होगा, जबकि चीन ने वो कृत्रिम द्वीप वहां विकसित करके और उसके हवाले से फिर वो अपना जो आधिपत्य या अपना अधिकार क्षेत्र उस क्षेत्र में वो बढ़ाना चाहता है। तो काफी एक तरह से विवादास्पद ये क्षेत्र रहा है, और उसका मूल रीजन आपको मैंने बताया कि इसका रणनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक वाणिज्यिक दृष्टि से काफी महत्व इस पूरे क्षेत्र का रहा है और है भी। तो अगर यहाँ पक्षी आता है कि जब ये सारा पूरा अमेरिका का यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं, जब पूरा ये
एशिया की राजनीति में है या दक्षिणी एशिया का क्षेत्र है, चीन के दक्षिण का क्षेत्र है, तो फिर अमेरिका का क्या यहाँ पर लेना देना है। लेकिन साथियों, अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो अमेरिका, जाहिर सी बात है, अमेरिका का भी जो हित काफी यहां छुपे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका भी कभी नहीं चाहेगा कि इस इतने बड़े व्यापारिक मार्ग पर, इतने बड़े क्षेत्र पर चीन, जो कि उसका बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगी देश है, कॉम्पिटिटिव कंट्री है, जिससे कि उसको बड़ा खतरा लगता है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि इस पूरे क्षेत्र पर, इस साउथ चाइना सी पर चीन का कोई दबदबा कायम हो या उसका आधिपत्य हो जाए। और यही कारण है कि जो अमेरिका है वो वहां जो उस पूरे जो दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में पूरे व्यापारिक मार्ग में एक तरह से वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है ना, स्वतंत्र आवागमन चाहता है कि कोई भी वहां हस्तक्षेप चाइना का नहीं हो, और जो सामरिक और वाणिज्यिक दृष्टि से जो उस क्षेत्र का महत्व है, जो वहां पर प्राकृतिक तेल, गैस और खनिजों के भंडार के जो वहां प्रमाण मिले हैं, तो उस पर अमेरिका भी की भी आंख है एक तरह से। तो अमेरिका उसको लेकर जो जितने भी जो चीन के खिलाफ देश हैं उनके साथ भी अपने अच्छे संबंध वो बनाए रखकर और चीन के ऊपर एक दबाव डालने की कोशिश करता है कुल मिला के। तो अब इसको लेकर एक मैं आपको और बताऊं कि इस क्षेत्र को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी ये विवाद हाल ही में भी चला, पहले से चला आ रहा है। तो फिलीपींस एक देश जो मैंने आपको बताया था काफी, तो फिलीपींस ने इसके लिए जो चीन ने जो यहाँ पर कृत्रिम द्वीप बनाकर और फिलीपींस के जो क्षेत्र में उधर काफी जो चीन अपने वहां नौसैनिक अड्डे स्थापित कर रहा है, वहां पर वहां जो कृत्रिम द्वीप विकसित कर रहा है, वहां पर हथियारों की एक तरह से कलेक्शन वहां कर रहा है उन द्वीपों में, और काफी अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो उस पूरे क्षेत्र को लेकर फिलीपींस ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इस मामले को फिलीपींस लेकर गया था, और उसके लिए काफी महत्वपूर्ण 14-15 बिंदु फिलीपींस ने दिए। हालांकि चीन ने उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो मुद्दा गया उसको लेकर बिल्कुल भी चीन ने ध्यान नहीं दिया और स्पष्ट कहा कि ये जो पूरा जो मामला है ये अंतर्राष्ट्रीय अदालत के कार्यक्षेत्र में आता ही नहीं है, और उसने उस न्यायिक कार्रवाई में भाग लेने से ही मना कर दिया और लिया भी नहीं। इसको लेकर भी ये 2013 में फिलीपींस ने वहां अपना जो ये एक तरह से कंप्लेंट वहां दर्ज करवाई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और हाल ही में अभी 2015 में जुलाई 2016 में हाल ही में अभी एक फिलीपींस वो जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने पूरे जो फिलीपींस ने जो दावे प्रस्तुत किए थे और अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कहा भी था कि काफी जो प्रश्न थे फिलीपींस के उनके ऊपर हमने मतलब वो अधिक जो उस अंतर्राष्ट्रीय अदालत के अधिकार क्षेत्र में वो आता है, और उसने अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने इसके ऊपर अपना पक्ष भी दिया और एक जो जजमेंट सुनाया अभी जुलाई 2016 में, और स्पष्ट कहा कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो चीन का इस क्षेत्र पर कोई भी ऐतिहासिक रूप से दावा नहीं है। साफ चीन के अधिकार क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने नकार दिया। तो फिलीपींस की इसमें एक तरह से पक्ष दिया और फिलीपींस की इसमें जीत हुई। तो इस बात को लेकर हालांकि चीन ने तो खारिज कर दिया, उस अंतर्राष्ट्रीय अदालत के निर्णय को बिल्कुल ही खारिज कर दिया और मानने से भी इंकार कर दिया। हालांकि अमेरिका ने भी इसके लिए कड़ी प्रतिक्रिया दी कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत का जो फैसला है वो चीन को मानना चाहिए, और इस पूरे जो दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में जो चीन अपना दावा पेश करता है उसको अपना दावा अब वापस लेना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय अदालत के जो फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन चीन ने साफ इनकार कर दिया और चीन ने बिल्कुल धमकी भी इसको दी इसको लेकर, और चीन पूरा वहां पर अपने नौसैनिक अड्डे और हथियार विकसित करने में वहां अपने लगाने रखने में लगा हुआ है पूरे क्षेत्र में, और उसने अमेरिका को धमकी भी दे दी कि अगर कोई भी इस क्षेत्र में अगर ताकत आजमाने की कोशिश करेगा तो हम उसको पूरा जवाब देंगे भी। तो काफी इस कारण से एक तरह से काफी विवाद का ये जो क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन चीन जाहिर सी बात है उसको कतई मानने को तैयार नहीं है। तो ये तो उसका हुआ जो विवादास्पद पक्ष, और ये
जो दक्षिण चीन सागर है क्या, उसके बारे में मैंने आपको संक्षेप में जानकारी दी। अब हम जो भारत का परिप्रेक्ष्य में इसके ऊपर जाने, तो जाहिर सी बात है कि भारत के लिए भी ये जो क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भारत की दृष्टि से हम देखें तो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, पूरे विश्व का तो लगभग 60% व्यापार होता ही है, लेकिन भारत का भी जो कुल व्यापार है उसका लगभग 55% व्यापार है वो इसी क्षेत्र से होता है। तो भारत के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और भारत भी कतई नहीं चाहेगा कि जो चीन का इस क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित हो। अगर ऐसा होता है तो फिर भारत के जो व्यापारिक जो हित हैं, भारत के आर्थिक हित हैं, जो उसके ऊपर भी काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो उस कारण से भारत ने भी यही कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत का जो फैसला है, चीन को उसको मानना भी चाहिए। और भारत ने अभी जो हाल ही में जो 28वां और 29वां जो शिखर सम्मेलन, आसियान का शिखर सम्मेलन जो हुआ है लाओस में, उसमें भी भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे, तो वहां भी ये जो दक्षिणी चीन सागर का मुद्दा काफी हाईलाइट रहा, काफी छाया हुआ रहा, और उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि ये जो यहाँ पर हम भी जो पूरे इस दक्षिणी चीन सागर में किसी एक देश का जो आधिपत्य कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, और इस क्षेत्र में स्वतंत्र जो नेविगेशन है, स्वतंत्र जो आवागमन है, उसका वो चाहेंगे कि वो हो, किसी भी एक क्षेत्र का वहां कोई दावा नहीं हो। और उसके ऊपर, चीन के ऊपर दबाव डालने के लिए पहले वियतनाम भी, जो नरेंद्र मोदी जो है वियतनाम भी गए और वहां की जो सरकार से भी वार्ता करी, और इस बात को लेकर एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से चीन के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करी भारत ने। और चीन इस बात का विरोध भी करता रहा है कि जो वियतनाम जो उस क्षेत्र का एक जो देश है, उसके और भारत के संबंध काफी पिछले दिनों में काफी अच्छे रहे हैं, और भारत वियतनाम ने जो वहां पर जो अपने तेल अनुसंधान कार्य में भारत की कंपनियों को ही वहां पर ठेका दे रखा है, तो उसको लेकर भी चीन काफी एक तरह से अपनी आपत्ति जताता रहा है कि भारत को उस दक्षिणी चीन सागर में अपने जो पहलकदमी है वो नहीं, उसमें एक तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जबकि भारत का ये कहना है कि ये तो हमारी कंपनियां है और वियतनाम और भारत के संबंधों के बीच का मामला है। तो कुल मिलाकर एक तरह से भारत के लिए भी इस क्षेत्र का काफी महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक दृष्टि से तो है ही, वाणिज्यिक दृष्टि से तो है ही, सामरिक दृष्टि से भी है। और इस को लेकर एक तो क्योंकि जब भारत और चीन के संबंध में ये मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, और जो भारत है वो जो पड़ोसी देश है चीन के, और जो दक्षिणी एशिया क्षेत्र के जो उस क्षेत्र में आने वाले देश है, विशेषकर जो वियतनाम है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया, उनको लेकर उनके साथ अपने अच्छे संबंध स्थापित कर भी रहा है, और करके चीन पर अपना एक तरह से वो दबाव डाल सकता है। तो भारत के संदर्भ में भी इस क्षेत्र का काफी महत्व है। तो ये एक संक्षेप में जानकारी मैंने आपको दी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और काफी आप इसको थोड़ा अच्छे समझो। हो सकता है आपको ये एक बोरिंग टॉपिक लग रहा हो, लेकिन ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एक जरूर मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, और काफी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर पूछे भी जाते हैं। इस आधार पर मैंने ये टॉपिक चुना है। बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और इसके बारे में आपके पास भी कोई जानकारी हो तो इसमें ऐड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।